क्या मामला था, किस मामले का खुलासा हुआ है? देखिए, थाना कोतवाली जनपद उन्नाव की पुलिस टीम ने एक अच्छा गुड वर्क किया है। उसमें 2 साल पुराना एक हत्या का मामला था, उसका इन्होंने सफल अनावरण किया है और मुजरिम को गिरफ्तार किया है। इसमें ऐसा था कि 20 फरवरी 2018 को एक मुकदमा लिखा गया था, उसमें एक अज्ञात महिला का शव मिला था एक बगीचे में। और उस महिला की पहले तो इन्होंने बहुत अच्छा गुड वर्क करके शिनाख्त करी, और उस महिला का पति ही उसका कातिल निकला है, जिसको कि मुजफ्फरपुर वो बिहार का रहने वाला था, तो वहां से उसको लाया गया यहां पे। फिर जो घटनास्थल पे वो जाके उसने अपना अपराध स्वीकार किया, तब उसको गिरफ्तार कर दिया गया। इसमें ऐसा होता है कि जो उसका पति है वो अपनी पत्नी पे शक करता था, जो कि उसके उसके किसी दूसरे से संबंध है, तो इस कारण उनमें अनबन थी। इसी में उस घटना के दिन शाम को लगभग उसने अपनी पत्नी के सिर पे ईंटे से वार करके और उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, और लाश को उसने उस बगीचे में छुपा दिया था और उस यहाँ से फरार हो गया था। जैसा कि उसने बताया है, अपना इकबालिया जुर्म में बताया है कि वो यहाँ से फरार होने के बाद अपने गृह जनपद मुजफ्फरपुर बिहार गया, उसके बाद वहां से कलकत्ता चला गया था। हमारी पुलिस की टीम ने इसको वांछित घोषित कर दिया था, और इस पे 20,000 रुपये का अवार्ड भी मिला है। तो जो आज जो टीम जिसने ये गुड वर्क किया है, उनको 20,000 रुपये का रिवॉर्ड भी दिया जाए।